हाय फ्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल तो आज हम बात करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास एट क्लास एट के इंग्लिश का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है इस पैसेज को आप लोगों को ठीक से यहाँ पे पढ़ लेना है और इस पैसेज को आप ये कमेंट में जरूर बताइए हमें कि ये पैसेज किस लेसन से लिया गया है और इसका राइटर कौन है आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताइए मैं अभी ये फिलहाल के लिए अभी ये नहीं पढ़ रहा हूं तो चलिए मैं एक्टिविटी वन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी वन राइट टी फॉर ट्रू सेंटेंसेस एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस क्वाट सपोर्टिंग फ्रेज सेंटेंस फॉर योर आंसर जो ट्रू है उसके लिए टी लगा देना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लगा देना है और इसके बदले जो है हमें एक सपोर्टिंग फ्रेज या स्टेटमेंट या जो सेंटेंस है वो लिखना है तो नंबर वन देखते हैं द बॉय सेट ऑन अ वाल बाय द पर्सन विल जो बच्चे थे जो लड़के थे वो एक वॉल में बैठे हुए थे जो पर्सियन विल के ऊपर थे तो वो क्या होगा फॉल्स होगा बिकॉज एन ओल्ड मैन सेट ऑन अ वॉल बाय द पर्सन विल एक ओल्ड मैन था उसके जगह ये हो गया उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट ओके नंबर टू अकॉर्डिंग टू द बॉय एवरीबडी गो टू नो दैट द क्लाउड वेयर दियर लास्ट नाइट ये हो जाएगा फॉल्स तो इसका जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द बॉय दियर वेयर नो वन टू गो टू नो द क्लाउड लास्ट नाइट ओके नंबर थ्री को देखते हैं तो नंबर थ्री को देखिए द बॉय वेंट बैक यूजिंग द सेम डर्ट ड्रैक दी है इसके बाद एक्टिविटी टू को हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्टिविटी टू में आप लोग देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद स्विटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवेन बेलो वन एक्स्ट्रा वर्ड इज गिवेन तो यहाँ पे जो दो तीन वर्ड है और यहाँ पे हमें दो दो यहाँ पे कवर करना है एक को छोड़ देना है और एक एक्स्ट्रा है इन द लास्ट समर वेकेशन आई वेंट ऑन आर ट्रेकिंग ऑन द वे स्नो फॉल स्टार्टेड वी स्पेंड सम तो यहाँ पे जो जो खाली जगह है यहाँ पे होगा एन मोमेंट्स अंडर ट्री और गाइड अस हॉट कॉफी फ्रॉम हिज थर्मस फ्लास्क ओके okay, तो यहाँ पे टॉगेदर में यहाँ पे कुछ नहीं होगा एनएक्स और थर्मस फ्लस्क होगा ओके okay, तो इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी थ्री इमेजन योर सेल्फ इन एन एक्सप्रेस ट्रेन इट इज मिड नाइट वन ऑफ योर को पैसेंजर हु इज ट्रेवलिंग अलाउन सडनली हैज गॉट हाई फेवर नाउ राइट इन अबाउट एटी वर्ड्स ऑन वाट यू शुड नॉट यू शुड डू एट दिस मोमेंट तो आप एक, एक ख्याल कर लीजिए कि आप जो एक एक्सप्रेस ट्रेन में है और आधी रात हो चुकी है और आपकी एक पैसेंजर जो को पैसेंजर है पैसेंजर है यानी आपके जो हमरा हम मुसाफिर है वो आपके साथ अलाउन जो है अ, ट्रेवलिंग कर रहे हैं और उसको जो है हाई फेवर हो गया है बहुत बुखार हो गया है तो हमें एटी वर्ड्स में लिखना है कि हम उस वक्त उसके लिए क्या कर सकते हैं उस लम्हे तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर होगा लास्ट विंटर वेन आई एम गोइंग टू कोलकाता फ्रॉम शताब्दी एक्सप्रेस विथ माई फ्रेंड्स जब पिछले विंटर में मैं कोलकाता जा रहा था मेरे दोस्तों के साथ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से इट वॉज मिड नाइट एंड ऑल को कोपैसेंजर ऑफ माई कंपार्टमेंट वेर स्लीपिंग ये आधी रात हो चुकी थी और मेरे जो कोपसेंजर थे टोटल हम मुसाफिर थे वो सब सो रहे थे अनएक्सपेक्टेडली आई वॉज अवेकोसेंजर अचानक जो है मुझे मैं जाग गया था एक को पैसेंजर जो बहुत ही फिक्रमंद थे और जो बहुत ही बेचैनी के आलम में बिगड़े पड़े थे तो उसकी आवाज़ से मैं अवेकेंट हो गया यानी जाग गया नींद से परैप्स ही वॉज फीलिंग द मोमेंट वेरी बैड एंड अनइी शायद वो उस लम्हे बहुत ही उस लम्हे को बहुत ही वो ख़राब समझते थे उसको बहुत ही बैड लगा हुआ था वो वो लम्हे सो आई हैव डिसाइडेड टू गो टू हिम फॉर डिस्कवरिंग द प्रॉब्लम तब मैंने ये डिसाइड किया कि शायद उसके पास चले जाओ और क्या प्रॉब्लम है वो देख सकूँ आई नोटिस दैट ही गॉट हाई फेवर मैंने ये पता किया कि उसे बहुत बुखार हो गया है हाई फेवर हो गया उसका जो बॉडी है वो बहुत टेम्परेचर में है आई कॉल्ड अदर को पैसेंजर एंड गेव हिम ये पैरासीटामोल मैंने और तमाम जो दोस्त थे मेरे जो को पैसेंजर थे उन्होंने सभी को बुलाए और एक पैरासिटामोल टैबलेट उसे दिए आफ्टर दैट आई गेव हिम ए ब्लैंकेट टू कवर हिज बॉडी इसके बाद मैंने एक ब्लैंकेट एक चादर दिया उसे उसे ढकने के लिए उसे ओढ़ने के लिए वी ऑल टू केयर ऑफ हिम लाइक अ फ्रेंड इसके बाद हम सभी ने जो है उसे एक फ्रेंड के तौर पर जो है उसका देखभाल किया आफ्टर टू और थ्री आवर्स हिज फेवर गॉन अवे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम गुड एंड वेल वी ऑल थैंक गॉड इस तरह हम लोगों ने उसकी मदद की और हम लास्ट में जो है आखिरकार खुदा की शुक्र की तो यहाँ पर देखिए ये जो पैराग्राफ है तो आप ये स्क्रीन शॉट कर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं तो इसके बाद जो मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट नंबर टू है इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक्टिविटी वन देखिए

ऑफिस विल बी वर्किंग हो जाएगा आई एन जी जोड़ देना है तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा इसके बाद जो एक्टिविटी सोल्यूशन है उसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी सोल्यूशन एक्टिविटी टू हो जाएगा ये पार्ट टू का राइट एनी राइट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड नंबर वन समेर डैम्प वेन आई वेंट टू बैकयार्ड तो कुछ कपड़े दशे कपड़े जो थे वहाँ पे डैम्प हो गए थे जो मैंने बैक में जब मैं गया था तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको एंटेनि मतलब ऑपोजिट हमें लिखना है तो रिराइट करने बोला है सेंटेंस को इसलिए हम रिराइट करेंगे सम क्लॉथ्स वेयर ड्राइड डैम्प का जो है ड्राइड होगा ड्राइड वाई टू द बैकयार्ड ओके इसके बाद नंबर टू नंबर टू हो जाएगा द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री लुक डर्टी इसका आंसर हो जाएगा द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री लुक क्लीन जो ऑपोजिट होगा वो क्लीन होगा डर्टी का नंबर थ्री द चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन सैड टू सी गिवन वर्ड्स इन द लिस्ट एंड फिल इन ब्लैंक्स टू कंप्लीट सेंटेंस तो हमें यहाँ पे द ब्लैंक्स करना है एक सफिक्स और प्राफिक्स जोड़ना है सफिक्स मतलब जो है बाद में और जो प्रीफिक्स होता है वो पहले ये बिफोर एंड आफ्टर वर्ड हमें यहाँ पे ऐड करना होगा जैसे यहाँ पे दिया गया है लिस्ट में फैशन और एक है पॉसिबल तो फैशन का यहाँ पे जो सफिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा यहाँ पे दिया हम लोग फैशनेबल तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तनीमा बाइज़ अ फैशनेबल बैग फ्रॉम द सुपर मार्केट तो यहाँ पे फैशनेबल दे दिए यानी ये हो जाएगा क्या सफिक्स यानी बाद में जोड़े इसको एबल जोड़े इसमें ए बी एल ई इसके बाद नंबर टू इट वॉज पॉसिबल की जगह हम दिए प्रीफिक्स दिए इम्पॉसिबल आई एम पी आई एम दिए तो इम्पॉसिबल टू कैच द डियर ऑफ द फॉर द हंटर तो ये हो गया आपका एक्टिविटी सोलूशन सॉल्व तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी थ्री भी आपका सॉल्व एक्टिविटी टू यहाँ पे सॉल्व और जो एक्टिविटी वन था ये भी यहाँ पे आपको सॉल्व हो गया मॉडल एक्टिविटी टास्क तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर किसी तरह का नाइन क्लास के या किसी भी क्लास के आपको कम, जो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो जरूर तैयार कर सकें आप इसे स्क्रीन शॉट करके भी लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को Thanks for watching. Have a nice day. ta da -da.